चलिए दोस्तों, तो आज हम देखेंगे उष्मा गतिकी के बारे में, जो कि लेबर सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का अवकलन रूप क्या होता है? डेल क्यू इजिकल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। एक न्यूमेरिकल, एक निकाय को 400 कैलोरी उष्मा दी जाती है, अभी इस निकाय द्वारा 1000 जूल कार्य किया जाता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो कितनी उष्मा दी जाती है? डेल क्यू क्या हो जाएगा? 400 × 4.2 या 1680 जूल। इतना कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 680 जूल। एक आदर्श गैस के रुदोष्म परिवर्तन के दौरान दाब तथा घनत्व डी में संबंध होगा। P1 D1 की घात माइनस गामा इजिकल टू P2 D2 की घात माइनस गामा। रुदोष्म वक्र और समतापी वक्रों के ढालों का अनुपात कितना होता है? गामा अनुपात 1। समतापी प्रक्रम में T1 T2 पर दो वक्र दिए हैं, तो दो है P और V के बीच में ग्राफ है, तो T1 क्या होगा? स्मॉल T2। समतापी प्रक्रम में गैस के प्रति ग्राम अणु के द्वारा किए गए कार्य कितना होता है? RT log E V2 / V1 एंड log एल्गोरिथम E होता है। समतापी प्रक्रम के लिए डेल Q इजिकल टू डेल W एंड DU का मान 0 रहता है। दोष प्रक्रम के लिए ये शक्ति क्या है? DQ = 0 सही है, DG = -DW, ΔT = 0 एंट्रोपी नहीं रहती है, ये बात ये सत्य है। एक आदर्श कृष्णिका के लिए पारगमन गुणा कितना होता है? 0। एक गोले की त्रिज्या आर घनत्व डी तथा विशेष उष्मा एस है, तो उसे गर्म करके ठंडा किया जाता है, तो उसके लिए ताप में कमी की दर समानुपाती होती है 1/RdS। खाना पकाने के बर्तन में किन गुणों का होना अच्छा है? कम विशिष्ट उष्मा तथा अधिक उष्मा चालकता। दो वस्तुओं की उष्मा धारिता इतनी है अनुपात में है, तो समान होने पर दोनों वस्तुओं उनके ताप पतन के दरों अनुपात क्या होगा? 4:1, यानी इसका रिवर्स। न्यूटन के शीतलन नियम अनुसार उष्मा आने की दर कितनी होती है? θ − θ₀ के समानुपाती। 1600 K पर 2 μ³/τ का विकिरण उत्सर्जित होता है, तो 2000 K ताप पर तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो λT = क्या होता है? K यानी कॉन्स्टेंट, तो λ1 T1 = λ2 T2, तो λ2 हो जाएगा 1600 × 2/2000, तो ये हो जाएगा 1.6 μ³। दो तारे ए वे बी क्रमश 4000 5000 तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा विकृत करते हैं, तो दोनों तारों के तापक्रम अनुपात कितना होगा? 5:4। Cp − Cv का मान होगा ऑक्सीजन के लिए अधिकतम, नाइट्रोजन के लिए अधिकतम, तो आंसर आ जाएगा सभी गैसों के लिए समान होता है, इसलिए Cp − Cv का मान सभी के लिए समान होगा। आदर्श गैस में अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग कितना होता है? √3 RT / m। ये गैस द्वारा पात्र के दीवारों पर लगाए गए दाब है, P = 1/3 mv/v2। गैस की विशिष्ट उष्मा का अनुपात तथा स्वतंत्र कोटे की अपमिति क्या संबंध होता है? P = 2/γ − 1। वास्तविक गैस समीकरण में नीतांक A का मात्र क्या होगा? न्यूटन मीटर की घात 4। आदर्श गैस के अधिकतम अणुओं की स्थानांतरण गति के कारण गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 3/2 kT। एक मोल गैस के लिए अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? 3/2 RT। ये दो गैसों का अनुपात m1 m2 हो तो एक तापमान पर दोनों गैसों के वर्ग माध्य मूल ये कितने होंगे? उनका रिवर्स m2/m1 का अनुरूप। आदर्श गैस की विशेष उष्मा में सही संबंध क्या है? Cp − Cv = R। यदि किसी गैस का आयतन V दाब P V ऊर्जा E हो तो इसमें क्या संबंध होता है? P V = 2/3 E = 3/2 PV।